हे एवरीवन, आज हम चेक करने वाले हैं मर्सिडीज़ न्यू ए क्लास लिमोजीन, जो कि वर्ल्ड्स की मोस्ट एरोडायनामिक प्रोडक्शन कार है विद अ कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 0.22। इंडियन मॉडल का कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग थोड़ा कम होगा, रीज़न बीइंग इंडिया के अंदर इसका सस्पेंशन थोड़ा सा रेस करा हुआ है। अगर हम फ्रंट की बात करें तो इसके अंदर आपको सिंगल लोअर के अंदर क्रोम मर्सिडीज़ का लोगो मिलेगा विद ब्लैक डायमंड ग्रिल। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस LED हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको इसके अंदर, जिसकी रेंज 400 मीटर्स की है। 17 इंचेस के 5-2 स्पोक अलॉय व्हील्स आते हैं इसके अंदर। अगर कार की टोटल लेंथ की बात करी जाए तो 4.5 मीटर्स की लेंथ है इसकी, और अप्रॉक्सीमेट 1.8 मीटर्स की विड्थ है, और हाइट 1.4 मीटर्स की है। इसका व्हील बेस 2729 mm है, जो कि पहले जितने भी मर्सिडीज की कार्स आती थी लाइक CLA और GLA, उन सबसे एक्सटेंड करा गया है। इसी वजह से इसको लिमोजीन का नाम दिया गया है। मर्सिडीज़ बेंज की इंडिया के अंदर रेंज ए क्लास से ही स्टार्ट होती है। पेट्रोल का एक शोरूम 39.9 लाख रुपीज़ आता है, और डीजल का एक शोरूम 40,90,000 रुपीज़ आता है। मतलब 1 लाख का ही डिफरेंस है दोनों वेरिएंट्स के अंदर। अगर हम इसकी पूरी प्रोफाइल की बात करें तो एक प्रॉपर सेडान कार है, जिसके अंदर लग्जरी के अंदर कोई कमी नहीं रखी गई है। जैसे कि विंडो ग्लास पूरा क्रोम से कवर्ड है, और जो अलॉय व्हील्स हैं ये भी पूरा क्रोम और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में है। बाहर से दोनों वेरिएंट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप पेट्रोल कार लो या डीजल कार लो, बाहर से आप नहीं पहचान सकते, एक्सेप्ट डिग्गी के ऊपर जो बैच लगा हुआ है। डीजल कार में A200D लिखा आता है, और पेट्रोल में सिर्फ A200 लिखा आता है। ग्लास का एरिया काफ़ी अच्छा है, और अंदर भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा गया है। इस सेगमेंट के अंदर इस टाइम सबसे ज़्यादा स्पेशियस कार है ये। अगर हम इसके रियर के अंदर आके इसका पूरा लुक देखें तो आप देखेंगे रियर में जो इसकी टेल लाइट्स हैं वो एक प्रॉपर LEDs के साथ में है, ट्विन एरोज़ के साथ में डिज़ाइन है उनका। और इसमें अडेप्टिव ब्रेक लाइट्स भी आती हैं, जैसे कि अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो कार में तो ये लाइट्स तेज़ फ्लैश होती हैं, जिससे कि पीछे से आने वाली गाड़ियों को भी इंडिकेशन मिल जाए कि आपने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए हैं। इसके अंदर रियर व्यू कैमरा आपको स्टैंडर्ड मिलता है, और ट्विन एग्जॉस्ट भी इसमें नीचे आपको मिलेंगे। थोड़ा अगर हम इसको नीचे से देखें तो आप क्रोम लाइन के साथ में जो एग्जॉस्ट देखोगे ये ओरिजिनल है। कुछ गाड़ियों के अंदर डमी एग्जॉस्ट भी आते हैं। प्लस इसका जो बूट स्पेस है, डीजल वाली कार का 390 लीटर्स है और पेट्रोल वाली कार का 420 लीटर्स है। कहते हैं 30 लीटर्स इसलिए कम है क्योंकि इसके अंदर एड ब्लू का टैंक है डीजल में एडिशनल। अब लुक वाइज और लग्जरी वाइज मर्सिडीज़ ने कार के अंदर कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जैसे कि बहुत सारे इसके अंदर न्यू और लेटेस्ट अपडेटेड फीचर्स आ रहे हैं मर्सिडीज़ मी कनेक्ट के साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, और इंजन वारंटी से रिलेटेड भी, जो इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में हमको नहीं मिलते। एक बार हम इंटीरियर लुक देखते हैं अब इसका, तो आप देखोगे पूरा फिट एंड फिनिश बहुत अमेजिंग है इसका। कंफर्ट सीट्स आती हैं इसके अंदर। अगर हम डोर की बात करें तो फ्रेमलेस नहीं है क्योंकि प्रॉपर सेडान कार है, इट्स नॉट अ कूपे। इसके अंदर वुडन पैनल्स दिए हुए हैं, सीट इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट दोनों हैं विद फ्रंट मेमोरीज के साथ में। इसके अंदर 3 मेमोरीज हैं दोनों सीट्स में, और एल्युमिनियम डोर हैंडल्स हैं। इसके साथ में जो चारों पावर विंडोज़ हैं वो 1 टच बटन के साथ हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स हैं विद मिरर पैकेज। मिरर पैकेज में क्या होता है कि ड्राइवर साइड का जो मिरर होता है वो ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ होता है, और को ड्राइवर साइड का जो मिरर होता है वो ऑटो टिल्टिंग फंक्शन के साथ होता है जब हम रिवर्स गियर डालते हैं। कार की अगर हम इंटीरियर एक बार पूरे लुक्स की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील जो है इसका वो विद टच कंट्रोल्स है, और इसके अलावा इसके अंदर जो 2 स्क्रीन्स हैं वो 10.25 इंच की आपको स्टैंडर्ड मिलती हैं। न्यू AC वेंट्स हैं, टर्बाइन फिनिश लुक है इनका, और इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी हुई है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है, इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक सनरूफ क्लोजिंग रेनिंग के टाइम पे, और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी इसके अंदर अब स्टैंडर्ड आता है। इसके बाद हम इसका एक बार ओवरऑल स्पेस देखते हैं पीछे वाली सीट पर भी आकर। आप देख रहे हो बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड है इस कार में। रियर सीट के अंदर एक्सटेंशन दी हुई है फॉर बेटर थाई सपोर्ट। पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर स्टैंडर्ड आती है, जिसको हम रिमोट के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, और रियर में AC वेंट्स भी आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। फर्स्ट टच से आप इसका कर्टेन ओपन करोगे, सेकेंड टच से आप इसका ग्लास भी ओपन कर सकते हो। ओवरऑल कैबिन बहुत ज़्यादा एयरी हो जाता है जब हम सनरूफ का कर्टेन ओपन कर देते हैं, क्योंकि हमें ऊपर का व्यू भी मिल जाता है। बेज इंटीरियर्स होने की वजह से काफ़ी लग्जरी वाली फील आ जाती है। जो डोर हैंडल्स हैं वो पीछे वाले भी इन्वर्टेड यू डिज़ाइन के अंदर हैं विद क्रोम हैंडल्स, और पीछे वाले जो ग्लास हैं ये भी 1 टच बटन के साथ दिए हुए हैं। हैंडल के नीचे आपको बॉटल रखने का प्रोविज़न मिल जाता है, स्मॉल पॉकेट है। इसके नीचे स्पीकर्स दिए हुए हैं। हम अंदर की साइड देखें तो आगे वाली सीट्स की बैक सीट में यहाँ पर हमें मैगजीन होल्डर मिल जाता है,
और सेंटर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं। जो फ्रंट हेडरेस्ट हैं ये एडजस्टेबल हैं। आप अगर कार के अंदर बैठ के पूरा व्यू देखो एक बार, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी का आपको फील फैक्टर मिल जाता है यहाँ पर। ऊपर एलईडी लाइट मिलेगी कोट हैंगर के साथ में, इसको हम ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। और हम अगर पीछे की साइड पर आए तो यहाँ जो रियर हेडरेस्ट हैं ये भी एडजस्टेबल आते हैं तीनों। कंफर्ट सीट्स हैं पीछे की बहुत ज़्यादा, और आपको लेग रूम वगैरह भी बहुत अच्छा मिल जाता है पीछे, जिससे कि आप बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सेंटर के अंदर आर्मरेस्ट आएगा पीछे, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। ये कप होल्डर्स ओपन होने में भी थोड़ा लग्जरी फील हमें मिल जाता है, क्योंकि ऐसे हमने अभी तक किसी कार में देखे नहीं है। सेंटर के अंदर जो एसी वेंट्स हैं, इसका टेम्परेचर आगे से ही कंट्रोल होता है, और पीछे एक पॉकेट दी हुई है, नीचे दो यूएसबी स्लॉट्स दिए हुए हैं, ताकि अगर दो पैसेंजर्स हैं तो वो दोनों ही अपने फ़ोन को या गैजेट्स को यूएसबी टाइप सी स्लॉट के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके फ्रंट डैशबोर्ड लेआउट के ऊपर। तो सबसे ऊपर हमें 10.25 इंच की MBUX स्क्रीन मिलती है। MBUX अगेन मर्सिडीज़ बेंज यूज़र एक्सपीरियंस, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में आता है। इसके अंदर है मर्सिडीज़ वॉइस कमांड फंक्शन होता है, मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी होती है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को ट्रैक भी कर सकते हो, जियो फेंस भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंट्रोल्स है मर्सिडीज़ बोल के। जैसे मैं अगर बोलूँ प्लीज़ चेंज एम्बिएंट लाइट टू ब्लू कलर, तो आप देख सकते हो इसने ब्लू कलर चेंज कर दिया है। इसके नीचे ही हमें जो एसी वेंट्स के जो टर्माइन है एम्बिएंट लाइट फिनिश के साथ में, प्लस उसके नीचे एसी के कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं। टू जोन ऑटोमेटिक एसी आता है इसके अंदर, और स्टीयरिंग के टच कंट्रोल के थ्रू भी आप सिस्टम ऑपरेट कर सकते हो। सिस्टम टच स्क्रीन भी है, और नीचे सेंटर कंसोल के अंदर इसका टच पैड भी आता है। आप यहां से सारी चीज़ ऑपरेट कर सकते हो, चाहे आपको रेडियो सुनना हो, कंफर्ट फीचर्स देखने हो, इन्फो चेक करनी हो, कुछ ऐप्स यूज़ करनी हो, या कार की सेटिंग्स आपको चेक करनी हो, वो सभी आप इस टच पैड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। स्मार्टफोन इंटीग्रेशन आता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले दोनों ही इसके अंदर सपोर्टेबल हैं, बट केबल के थ्रू ही चलेंगे। इसके बाद हम अगर नॉर्मली सेटिंग्स की बात करें तो काफ़ी सारे अच्छे सेटिंग में फंक्शंस मिल जाते हैं हमें, जैसे एक्टिव ब्रेक असिस्ट। आपके आगे अगर कोई गाड़ी चल रही है और आपकी गाड़ी की आपको सेंसिटिविटी उसके सेट करनी है कि वो अर्ली डिटेक्ट करे, मीडियम लेवल पे करे, या लेट करे, या फिर अगर आप इस फंक्शन को ऑफ भी करना चाहते हो तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हो। सेफ्टी वाइज अच्छा फंक्शन रहता है ये। इसके बाद हम आते हैं अटेंशन असिस्ट के ऊपर, जिसके अंदर की कार डिटेक्ट कर लेती है कि आप गाड़ी चलाते में आपको नींद तो नहीं आ रही है, आपका अटेंशन लेवल कैसा है। आप इसको दो तरीके के मोड्स पे सेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड और सेंसिटिव। स्टैंडर्ड में ये 80 से 180 के बीच में काम करता है, और सेंसिटिव में 60 टू 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड के बीच में काम करता है। इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, और इसके अंदर नीचे एक और ऑप्शन है सजेस्टेड रेस्ट एरिया, मतलब नेविगेशन में कोई कॉफ़ी शॉप भी दिखा देगा। ESP भी आप इस कार का ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ये गाड़ी की ट्रैक्शन के लिए होता है बेसिकली। इसके बाद हम आते हैं व्हीकल की सेटिंग्स में, जिसमें कि सबसे पहले है डायनामिक सेलेक्ट। डायनामिक सेलेक्ट होता है इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर आप हर चीज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि गाड़ी के अंदर जो इंजन है उसका रिस्पांस आपको कैसा रखना है, स्टीयरिंग का कैसा रखना है, और ESP का कैसा रखना है। इसके बाद हम वापस बैक आते हैं और हम देखते हैं ऑटो सीट एडजस्टमेंट। ये बहुत अच्छा फंक्शन है इजी एंट्री एग्जिट के साथ में। आप जब भी गाड़ी का गेट खोलोगे तो सीट ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती है, ताकि आप आराम से बैठ जाओ। रियर व्यू कैमरे का भी आप इसके अंदर ऑप्शन चेक कर सकते हो कि आपको वो ऑन एंड ऑफ रखना है, या फिर अगर आपको कभी कवर उसका ओपन करना है साफ़ वगैरह करने के लिए, आप वो भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक सीट बेल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है कि जब भी आप गाड़ी में बैठते हो सीट बेल्ट ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है, आपका साइज़ मेजर कर लेती है। अकोस्टिक लॉक आता है, आपने गाड़ी जैसे लॉक करी तो साउंड हल्का सा हॉर्न बजेगा, जिससे कि आपको पता चल जाए। ऑटोमेटिक मिरर फोल्डिंग, गाड़ी लॉक करते टाइम पे साइड मिरर फोल्ड हो जाते हैं। और स्पीड डोर लॉकिंग भी आती है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो ऑटोमेटिकली डोर लॉक भी हो जाएंगे। ये सारे फंक्शंस आपको व्हीकल सेटिंग्स के अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद आते हैं लाइट सेटिंग्स। लाइट सेटिंग्स के अंदर जैसे एम्बिएंट लाइट हो गई, आपको कलर्स चेंज करने हैं। 64 कलर के टोटल कलर्स आते हैं, आप उनमें से कोई सा भी कलर इसमें से आके यहाँ चेंज कर सकते हैं। मल्टी कलर का भी फंक्शन है, वेलकम लाइट का भी, और क्लाइमेट फंक्शन भी। वेलकम लाइट के अंदर आप जब भी गाड़ी का गेट ओपन करते हो तो एक वेलकम करने के लिए एम्बिएंट लाइट चेंज होती है, और क्लाइमेट का अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो भी एम्बिएंट लाइट थोड़ा सा कलर चेंज करके हमें उसका एक्नॉलेज करती है। प्लस इसके बाद एक्सटीरियर लाइट डिलीट स्विच ऑफ की मैंने गाड़ी लॉक करी, थोड़ी देर तक लाइट्स ऑन रहती हैं। इंटीरियर लाइट डिलीट स्विच ऑफ, जब मैं गाड़ी के अंदर आके बैठा तो थोड़ी देर तक लाइट्स ऑन रहती हैं। सराउंड लाइटिंग, गाड़ी कहीं दूर में खड़ी है, मैंने अनलॉक करी तो इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाए गाड़ी कहाँ खड़ी है। MBUX के बाद अब देख लेते हैं AC वेंट्स का डिज़ाइन, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था एम्बिएंट लाइटिंग फंक्शन साथ में आती है, और एक ये जेट टर्बाइन फिनिश के साथ में आते हैं।
नीचे एसी कंट्रोल्स हैं, वायरलेस चार्जिंग है, इसके नीचे टाइप सी स्लॉट है, दो कप होल्डर्स हैं, टच पैड है, टच पैड के साथ में राइट साइड में वॉल्यूम बटन है, लेफ्ट साइड में डायनेमिक सेलेक्ट लीवर है, जिससे कि हम गाड़ी के मोड्स चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमी मोड, स्पोर्ट्स मोड, कम्फर्ट मोड और इंडिविजुअल, जिसमें हम अपनी कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर तो हमें दिखता है व्हीकल सेटिंग्स का बटन, फेवरेट्स का बटन, टेलीफोन, रेडियो, मीडिया, नेविगेशन का एक शॉर्टकट की है। इसके पीछे हमें मिलता है एक छोटा सा हैंड रेस्ट, और उसके नीचे जो आर्म रेस्ट आएगा वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है दो यूएसबी टाइप सी स्लॉट्स का, इसके अंदर भी हम अपने फ़ोन को चार्जिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम सीट की बात करें तो इसके अंदर एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट आती है, ये हाईवे वगैरह लॉन्ग ड्राइव पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। मर्सिडीज़ की एस्ट्रा इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलेगी। इसके बाद हम थोड़ा इसकी ड्राइव की बात कर लें तो कार का जो पिकअप है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत अमेजिंग है, और एज अ मर्सिडीज़ जो इसकी पावर डिलीवरी है वो बहुत लीनियर है, मतलब गाड़ी झटके नहीं देती है पिकअप के लिए, बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कार ड्राइव करने के अंदर। गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये डीजल इंजन है जो 150 हॉर्स पावर के साथ और 320 Nm टॉर्क के साथ है। डीजल गाड़ी के अंदर 8 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलता है, और पेट्रोल कार जो है वो 163 हॉर्स पावर है, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम पावर है उसके अंदर भी। टॉर्क थोड़ा कम होता है डीजल से, 250 Nm टॉर्क पेट्रोल में मिलता है, और पेट्रोल जो इंजन है वो 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ है, तो गियर्स का भी डिफरेंस है डीजल और पेट्रोल के अंदर। अगर 0 to 100 की बात करूँ तो डीजल गाड़ी का 8.2 सेकंड्स है और पेट्रोल का 8.3 सेकंड्स है। टॉप स्पीड गाड़ी की डीजल की 227 किलोमीटर पर आर और पेट्रोल की 230 किलोमीटर पर आर की कंपनी क्लेम करती है। सेफ्टी वाइज पेट्रोल और डीजल दोनों ही गाड़ियाँ सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ आती हैं, जैसे कि एक्टिव ब्रेक असिस्ट, एक्टिव बोनट, अटेंशन असिस्ट, 6 एयरबैग्स और फ्रंट सीट काइनेटिक्स, ये सभी दोनों गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्ड मिलता है। मर्सिडीज़ की राइड हैंडलिंग और क्वालिटी बहुत ज़्यादा कंफर्ट वाले मोड के अंदर होती है, जिससे कि हमें फटीग ना हो गाड़ी चलाते टाइम पर। स्टीयरिंग बहुत लाइट है इसका, और इसका जो ब्रेक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अंदर अगर आप देखो तो एम्बियंट लाइटिंग का भी हमें बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है अंधेरे के टाइम पर। इसके अलावा जो गियर बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि वो डुअल क्लच के साथ में है, जिससे कि हमें गियर चेंज होने का पता भी नहीं चलता। इसके अलावा हमें पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, इको स्टार्ट स्टॉप मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, स्पीड लिमिटर मिलता है, एमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम मिलता है, फ़ोन कनेक्टिविटी मिलती है, ये सारी ही चीज़ें इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड मिलती हैं। और स्टीयरिंग पे दोनों ही स्क्रीन्स के लिए टच कंट्रोल बटन्स भी हैं, जिससे कि आप दोनों स्क्रीन्स बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो। रिवर्स कैमरा इसके अंदर स्टैंडर्ड आता है HD के अंदर, बहुत अच्छा और बहुत क्लियर विजन के साथ है अंधेरे में भी। गाइडलाइंस भी हैं इसके अंदर। अच्छी चीज़ ये है कि रेड डेंजर लाइन के अलावा हमें रियर का बम्पर भी विजिबल रहता है स्क्रीन में, जिससे कि हमें पता चल जाए कि अगर बम्पर कहीं जाके इम्पैक्ट होता है तो। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है तो आप इसको बहुत आराम से ईजिली मैनोवर कर सकते हो सिटी के अंदर भी। मर्सिडीज़ में अच्छी चीज़ एक ये भी रहती है कि 60% ऑफ द कंट्रोल्स, पूरी गाड़ी के जो 60% कंट्रोल्स हैं वो सारे स्टीयरिंग पर ही या स्टीयरिंग के आसपास हमें मिल जाते हैं, जिससे कि हम उसको बहुत ईजिली ऑपरेट कर सकें, चाहे वो गियर लीवर हो, चाहे पेडल शिफ्टर्स हो, चाहे स्क्रीन का यूसेज हो, चाहे हेडलैम्प्स हो, सारी चीज़ें स्टीयरिंग के आसपास ही आपको मिलेंगी। एक बार हम इसका पूरा एम्बियंस देख लेते हैं अंदर से कि गाड़ी अंडर अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हो तो आपको पूरा व्यू कैसे मिलता है। सामने की ट्विन डिजिटल स्क्रीन्स हो, वुडन इंटीरियर्स हो, एम्बियंट लाइटिंग हो, बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो, बहुत अच्छा और बहुत लग्जरी वाला फील फैक्टर है जो इस सेगमेंट में हमें ऑफकोर्स किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। इसके बाद हम आ जाते हैं इस कार के एक्सटीरियर में, मतलब जो एक फाइनल पार्ट बचा है वो है इस कार का इंजन। मर्सिडीज़ का ये इंजन लोग कहते हैं कि टर्बो चार्ज है तो शायद इसकी लाइफ ज़्यादा ना हो, बट मैं आपको बता दूँ मर्सिडीज़ का ए क्लास और GLA का जो ये नया इंजन है पेट्रोल और डीजल, ये 8 साल की अनलिमिटेड वारंटी के साथ आ रहा है, जिसके अंदर तीन चीज़ें कवर अप हैं, इंजन, गेयरबॉक्स और टर्बो चार्जर। ये स्टैंडर्ड है 8 साल की, और बाकी गाड़ी की 3 साल की वारंटी है। बाकी गाड़ी मीन्स AC, सस्पेंशन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं कार के, वो हैं 3 साल की वारंटी में, मतलब 3 साल की वारंटी के अंदर। बट जो मेन ड्राइव ट्रेन है गाड़ी का, इंजन, गेयरबॉक्स और टर्बो चार्जर, वो 8 साल की वारंटी के साथ आता है। कोई भी दूसरा मैन्युफैक्चरर इतनी वारंटी नहीं देता गाड़ी की। मर्सिडीज़ के एक दो प्लस पॉइंट और हैं कि मर्सिडीज़ के पास वाइडेस्ट सर्विस नेटवर्क है इंडिया के अंदर, कि हम बहुत सारे मेजर सिटीज़ के अंदर आपको सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे।
इसके अलावा काफ़ी ऑप्शंस हमें सर्विस पैकेजेस के अंदर भी मिल जाते हैं। और अगर आपको इस गाड़ी का कुछ भी फाइनेंस या प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डिटेल्स दे देता हूँ। एंड दिस इज़ द न्यू ए क्लास लिमोजिन फॉर यू जस्ट लाइक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।